अब धुलाई कर दो। तो देखिए धुलाई चालू है और बाहर की सफाई हमारे मिस्टर जी करते हैं, अंदर की सफाई मैं करती हूँ। तो अभी यहाँ पर हो जाएगी धुलाई। इस तरह से सारे भी पानी डाल दिया गया है और अब सचिन जी लगाएंगे यहाँ पर वाइपर। तो देखिए वाइपर लग चुका है और पोछा लगाया जा रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग और सीधा मिली हूँ आपको किचन में, क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट फ्रेश होकर आए थे तो सोचा खाना बना लूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे। ऑलरेडी आज संडे था तो संडे में सारा काम लेट होता है, बच्चे भी लेट उठे हैं, हम भी लेट उठे हैं और रात इतनी देर हो गई थी सोने के लिए। तो इसलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ पेठा। तो आज बनेगा पेठा और पेठा ना बहुत टेस्टी लगता है। मेरे बच्चे तो ना जैसे वो पाव होते हैं ना, पाव के साथ खाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पाव भाजी खा रहे हूँ। तो चलिए बना लेती हूँ पेठा फटाफट। कुकर गर्म हो चुका है। तो ये लेकर आए बेसन के लड्डू। जिंदगी में अगर सबसे बेकार मिठाई है ना, मुझे बेसन की लगती है। बेसन के लड्डू चीज है, घर में बना के खा लो उन्हें भी मतलब बाजार से खरीदने की जरूरत है। नायरा सही कह रही हूँ ना, बेसन के लड्डू तो घर में बना सकते हैं। सोन पापड़ी भी ऐसी होती है, उसे घर में बना हाँ, सकते हैं लेकिन सोन पता पापड़ी नहीं भी क्या अच्छी लोगों को मिठाई पसंद है। है, जाओ या बेसन के लड्डू ले आओ। हट, शुरू से ही पसंद नहीं है मुझे बेसन के लड्डू। मतलब खाने में ठीक लगते हैं पर मार्केट से अगर खरीदने की बात आए तो फिर मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगी, क्योंकि उसे हम घर में भी बना सकते हैं, है ना। हम सोए तुम पूरी मस्ती चली तुम्हारी। चलो जी करेंगे आज मस्ती, फिर से वीडियो बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएगी आज, मना कर रही है। मैं अभी करवाऊंगी ऑनलाइन, पढ़ा नहीं है पूरे साल तो पढ़ाई करो मत। और मुझसे कह रही है आके मम्मी ऑनलाइन एग्जाम दे दूं, अभी दिलवाऊंगी ऑनलाइन एग्जाम। मैथ्स का रहा है ना, हरकतें देख लो, जब पूरे साल तुम पढ़े थे तो मैथ का पेपर ऐसा पेपर होता है जिसे ऑनलाइन देंगे। देखो कितनी नलायक है, इस चक्कर में लग रही है कि आज खेल लूं पूरे दिन और कल को मैं ऑनलाइन दे दूं पेपर, मम्मी ये कहती है। तो देखिए बेसन के लड्डू लाए हैं, ये अपने लिए बता रहे हैं, और कि बेसन वेसन के नहीं लाया हूँ, ये वाले लाया हूँ। तो देखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी काम करते हैं ये, इन्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं है इसलिए जान पूछ के लाए हैं दिखाने की वजह से। और ये मिठाई मेरी फेवरेट है। ये स्नेहा यहाँ पर पढ़ाई कर रही है और मैंने स्नेहिलो और नायरा को भेज दिया बाहर, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं पढ़ने दे रहे, डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। और एग्जाम है मैथ का और इतना टफ एग्जाम है, फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। और अब मैंने बाहर भेज दिया कि बाहर खेल लो, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो बेटा, उसका एग्जाम। लो जी व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज सुबह से कुछ भी नहीं बनाया मैंने। अभी दीदी आई थी तो मैंने सोचा स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉग। हाय बोल दो सब। नायरा हाय तो बोल दे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारी आज 2:15 बजे से। वैसे सुबह कर दी थी थोड़ा ये शूट करा, आज कुछ नहीं करा, नींद आ रही थी आज, थकान हो गई रात रात मैंने व्लॉग एडिट किया तो बहुत टाइम हो गया था। देखो ये दर्श 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 क्या कह रहा है, क्या ये चलाना है, ये बोल रहा है इसको चला दो झूमर को। देखो चल गया ठीक है। आप दर्श जो है ना स्नेहिल को बुला रहा, बुलाओ बेटा, बुला लो। क्या करोगे, क्या करोगे भैया से, साइकिल चलाओगे। और अभी क्या क्या करा तुमने आज, सबने बोर हो गए। स्नेहा की तो सुबह सात पढ़ाई चल रही है, ये दोनों यहाँ बैठा रखे हैं मैंने, मैंने कहा ये पढ़ लेंगे। कुछ नहीं किया, बैठ बैठ के थक गए। बैठ बैठ के थक गए, थकान चढ़ खाने पे और बैठने पे, थकान चढ़ रही है, थकान चढ़ रही है बुरी तरह से। और अभी आज हमने अपने घर झाड़ू पोछा करेंगे ना, मैं कहूँ तो आज नींद ली है भाई हमने। देखो जी आज हमने करी है नींद पूरी, इसलिए 2:15 बजे से रियल में ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है सही में। और अभी हम थोड़ा सा फिर सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बना लें। कल तो बनी नहीं थी, कह के गई थी आके बनाऊंगी, फिर रात इतनी हो गई बात करते करते, फिर बस फिर कुछ नहीं बन पाया। तो आज बनाएंगे शॉर्ट वीडियो एक और, ठीक है दर्श। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, हाय बोलो, हाय बोल दो मुंह में हैंड नहीं, हाय गाइस बोल दो एक बार जल्दी बोलो। देखो दर्श, दर्श आपको बताएगा कि दर्श को क्या खाना, चॉकलेट खानी है। हाँ। कौन सी वाली, छोटी छोटी खानी है। हाँ। डांस करोगे। हाँ। ठीक है तो दर्श डांस करके दिखाएगा। अब कैसे करते डांस जल्दी बताओ, क्या चलाऊं टैक। हाँ। हाँ।
ये कह रहा है ये जो डेक रखा है ना इसको चला दो, और ये बहुत कम बोलता है, इसने अभी बोलना स्टार्ट किया है, तो उसकी आधे से ज्यादा बातें हमारे समझ में नहीं आती, ये क्या कहता है, करो कूद रहा है तो करो डांस। देखिए डांस चल रहा है यहाँ पे, ये ओह फुल मून में ये तो देखिए यहाँ पर पंजाबी डांस का लुफ्त उठाया जा रहा है, हम भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्योंकि डांस तो बिल्कुल जान है। मजा ले रहे हैं, मुझे तो बहुत ही मतलब बेकार लगते हैं मोमोज, ये देखिए नहीं लगते मुझे अच्छे। अभी मेरे परसों के व्लॉग में देखी थी, मैंने बोला था कि मुझे सबसे गंदे मोमोज लगते हैं क्योंकि उनकी चटनी पसंद नहीं है मुझे, लहसुन डाला रहता है ना, गार्लिक होती है इसलिए, और बच्चों की पसंद क्या करें। ये जी यहाँ पर चल रही है बर्गर एंड क्या पार्टी चल रही है, बर्गर पार्टी, और शगुन और मैं लेने आए हैं कोल्ड ड्रिंक, हम किसी को नहीं दे रहे, हम दोनों पी गए इसको चुपचाप ठीक है, और जीने चाहिए कह देंगे हम पी गए दोनों। मामी और शगुन ने किचन में खत्म कर दी, पर यार यहीं आ जाएंगे वे बच्चे हमें, और घर से बाहर निकाल देंगे, कह देंगे तुमने क्यों पी, हमें क्यों नहीं दी, इसलिए देनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी दे देते हैं, ज्यादा हम लेंगे दोनों, ठीक है डन। चलो ठीक है, पर पी जा रही है पेप्सी, और बच्चे क्या कर रहे हैं अभी दिखाती हूँ, देखो नीचे बैठ गए हैं खाने के लिए, भूख लगी हाँ। खाओ तो पियो, मौज करो। देखो जी पार्टी चल रही है, खाने के लिए और पीने के लिए, सही है, पी भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, तब पार्टी करेंगे, लेकिन वो पार्टी करने से पहले भाग गया, बोर हो गया वो यहाँ। तो देखिए फाइनली मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, शगुन के जैसे जैसे शगुन ने टी शर्ट पहनी है मैंने भी पहन लिया, देखो मेरे नीचे की ये तो हम बनाने जा रहे हैं दोनों क्या रील्स हम हैं रील्स लवर एंड गर्ल्स,
कर ले मैं भी कर लू मैं तो वो मैं नू लेकिन कोई नहीं, अब हम गर्ल है ठीक है। कहने में क्या जा रहा है हाथ पे। तो देखिए फाइनली मैं हो गई थी तैयार, और जैसे ही मैं बाहर आई तो दीदी चली गई चेंज करने। मैं तो पहन के आई टी शर्ट की दीदी के साथ सेम टू सेम बनाऊंगी मैचिंग करके, और मैडम सूट पहन के आ गई देखो। और अब कोई कहेगा भाभी तो हो रही है मॉडर्न, और देखो नंद हो गई है पूरी, क्या बोलूं गांव की गोरी। और सब अब मुझे कमेंट करेंगे देखो शर्म नहीं आ रही भाभी को, क्या घूम रही है टी शर्ट लोअर में। और मैं इसलिए पहन के आई थी कि भाभी मतलब इनकी साथ मैचिंग करके वीडियो बनाऊंगी अच्छी सी। जैसी आई मैडम गायब, मैं इतनी बिजी है। नहीं एक्चुअली मुझे जाना है तो इसलिए मैं चेंज करके आ गई। और लेकिन फिर भी मैंने इनको पकड़ लिया और दो तीन रील बनवा ली है मजेदार, जो बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं ये, वैसी बकवास करते कि मुझे नहीं आती तो नहीं है, पर आपको देख के हम सीख रहे हैं। हमारी भाभी बहुत मेहनत कर रही है अपने चैनल के लिए, आप सब लोग इन्हें अपना प्यार दीजिए और ऐसे सपोर्ट कर दीजिए। हाँ जी, और मैं दीदी से बोल रही हूँ आप भी बनाने लगो, मैं देखती हूँ चलो अगर मेरे भी दिल चाहे तो मैं भी। बिल्कुल बनाओ, बहुत अच्छा लगता है सच में, टाइम पास हो जाता है, मजा आ जाता है। चलिए जी ये जा रही हैं, पता नहीं फिर कब आएंगी, मैंने मिलवा दिया आपको तो सोचा जाते जाते मिलवा देती हूँ, बहुत मजा आया और बहुत मन लगा। अब ये चली जाएंगी तो थोड़ा ऐसा तो हो जाएगा कि जैसे पता नहीं कौन चला गया, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा भाई, जाना तो पड़ेगा। सबके अपने अपने घर है, अपने घर की जिम्मेदारियां निभानी है। सही बात है, चलिए मिलते हैं आप लोग। हाँ फिर मिलेंगे, ठीक है जी, बाय। ठीक है बाय नायर, बाय बाय। ठीक है जी, घड़ी आ चुकी है, दीदी जा रही है और हम भी चलते हैं अपना काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब वीडियो तो बन गई है, घर का काम करना, अंदर जाके बर्तन मांजने हैं तो इसलिए तो जाइए आप। हाँ, अब हम इन्हें भगा देते हैं, जाओ अपने घर, हम भी करेंगे काम और करेंगे आराम, और ये भी करेंगे आराम, थक गई है बेचारी। तो चलिए जी ठीक है, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। ये गाइस फाइनली दीदी चली गई हैं और अब मैं कर लेती हूँ घर का काम, और काम तो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा बर्तन वगैरह करने हैं क्योंकि बच्चों ने अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी किया है शाम के समय का, तो वो कर लेती हूँ और बाकी जो होता रहेगा दिन भर में वो भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है। व्लॉग की स्टार्टिंग आज थोड़ी लेट की थी, सुबह का थोड़ा सा ही शूट किया था, तो फिर दीदी आई तो मैंने सोचा अब आपको मिलवा देती हूँ, फिर से दिखा देती हूँ। तो अब क्या करें, जाना तो पड़ता ही है, हम भी अपने घर जाते हैं तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं रुक पाते, क्योंकि जब शादी हो जाती है ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि कोई भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकता मायके में, तो वही मिलना ही होता है, गेट टुगेदर ही होता है। तो ऐसे ही दीदी का, वो भी गेट टुगेदर ही करने आई थी, देखते हैं अगर हॉलीडेज होती है तो आएंगी मिलने, अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया था कल क्या सिचुएशन है, तो यही कारण है उन्हें जाना पड़ रहा है, कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। तो जी चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बाहर, हमने एक दो रील बनाई है, पसीना आ गया, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई पसीने में। अब चलते हैं और कर लेते हैं थोड़ा सा काम, तो आप भी कहीं मत जाइएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा, और प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छे लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है, चाहे वो 100 ही व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो पर प्लीज़ आप कमेंट कीजिए आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, या कोई कमी है तो उसको भी बताइए, और अगर ज़्यादा भी कुछ कमेंट नहीं कर सकते तो आप ये ज़रूर बताइए व्लॉग में कि आप सब कहाँ से हैं, तो मुझे पता तो चलेगा मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, नेम मत बताइए बट ये बताइए आप सब कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊंगी आपको, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो अभी बोल देती हूँ, व्लॉग एंड करूँगी तब नहीं बोलूँगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर में, ठीक है जी। तो देखिए जी आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ बर्तन साफ, तो जल्दी से कर लेते हैं बर्तन और फिर उसके बाद क्या करूंगी, हाँ कपड़ों पे प्रेस करूंगी, इसने बोल रहे कपड़ों पे प्रेस कर दो, तो वही करने वाली हूँ, फटाफट करती हूँ बर्तन, फिर करेंगे कपड़ों पे प्रेस, और बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, कल इसका एग्जाम है मैडम का, मैथ्स का, और बताया मुझे लग रहा था मेरा कुछ भी नहीं हुआ मेरा हो गया सारा।
तैयारी हो गई है, मौज मस्ती पूरी ले ली है इन्होंने बच्चों ने। देखिए गाइस अब हम फ्री हो गए हैं, सारा काम खत्म हो गया, बर्तन वर्तन सब हो गए हैं, तो हम आ गए बाहर गन्ना खाने। एक गन्ना मिला था, खा लूं मैं, बोल ही नहीं जा रहा। एक गन्ना मिला था, अब उस एक गन्ने के दो हम हैं, क्या बोलूं दीवाने। अब लड़ाई हो रही है, मैं खाऊंगी, ये कह रहे मैं खाऊंगा। अब मैंने इनसे छीन लिया, मैं खाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि कभी कभी मिलता है ना। और जब खेत होते तो जब तो कितने गन्ने खाओ, लेकिन अब तो खेत ही नहीं रहे तो गन्ने कहाँ से खाएंगे। और आज बेचारे लेने भी गए, लेकिन बेचारा एक मिला, बस एक गन्ना। तो कैसा लग रहा है, कितने खा के बताओ। मजा आ गया। अभी खा लीजिए, बट एक ही हमारे पास, सॉरी हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। खा लेते हैं गन्ना, तो प्रेस भी करनी है मुझे, बर्तन तो होगा, प्रेस बाकी है, ठीक है ना। और सचिन जी और मैंने दो शॉर्ट वीडियो भी बना ली साथ के साथ, बड़ी मुश्किल से रेडी होते हैं, जाना आपको आसान नहीं है। आप ये सोचते हो ना कि इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो मुझे पता है, डांट भी खानी पड़ती है इनकी मुझे, 10 बार ये बोलेंगे अल अपना काम कर। सच बोल रही हूँ, ये जितने सीधे हैं तुमने है नहीं, वो मुझे पता है कितने टेढ़े हैं ये, डांट भी पड़ती है मुझे बहुत ज्यादा, जब निकल लिए पतली गली से मारने के लिए आ रहे हैं, डंट वो दिखा रहे हैं गन्ना की, मारूंगा तुझे। वेल दोस्तों अब आ गई हूँ मैं छत पर, और ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश करके आई हूँ, खाना पीना सब कुछ हो गया है, आज जल्दी कर लिया क्योंकि थकान ज़्यादा हो रही थी, और वो रीज़न ये था मौसम चेंज हो रहा है तो लेजीनेस आ रही है आज पता नहीं क्यों। और अभी मेरे को याद आया, मीन्स याद क्या, आज मेरे मॉर्निंग में ही 1.5K हो गए हैं कंप्लीट सब्सक्राइबर्स मीन्स यूट्यूब पर, तो मतलब 1500, इसका मतलब 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, और क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो देखिए गाइज आज क्या है हमारे घर में, हमारे घर में आई है लस्सी, लस्सी है ये, और ये सचिन जी लेकर आए हैं, आजकल बड़ा शौक लगा है ना लस्सी का, कल भी पी थी और आज भी लेकर आए हैं, मैंने पी थी। और अब ये कान्हा जी को दी जाएगी, और ग्रेप्स भी आए हैं, और बनाना और चीकू भी आए हैं, तो कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। तो देखिए आई है न्यू स्लीपर स्नेहिल की, स्नेहिल की स्लीपर ना वहां रखी थी बाहर, डॉगी आया और पूरी की पूरी खा गया, 450 की दोनों आई है। चलिए जी नई चप्पलों का स्वागत है हमारे घर में। तो फाइनली गाइस रात हो चुकी है, ऑल वर्क हैव डन, और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, और फैन अब हमने स्टार्ट कर दिया है चलाना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है हमें, तो अब हम सोने जा रहे हैं, थकान हो रही है, जल्दी आज लेटेंगे, और मेरे को व्लॉग भी एडिट करना होता है रात में क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता ना मॉर्निंग में, इस वजह से तो अब करूँगी व्लॉग एडिट और कर देती हूँ आपसे बाय बाय क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है जी, मिलूंगी कल पक्का। कान्हा जी की तो मौज आ गई भाई, है कान्हा जी को देखो क्या क्या मिला आज खाने के लिए, लड्डू आ गए, अच्छा कान्हा जी को हुई है। लस्सी रखी है, अच्छा लस्सी भी है, हाँ, और देखो फल फ्रूट समोसा, और दीदी लेकर आई है लड्डू, पहले कान्हा जी, कान्हा जी को याद आ रही होगी आप, मुझे नहीं याद आ रही, मैं तो पहले तो ड्रेस लेगी, फिर मैं मावा लेने आई इसकी दुकान पर सर, अच्छा अच्छा लगाने के लिए, अच्छा मैंने की सुबह कुछ मावे का ही लगा दूंगी, खाली इसमें तनक सी मिला दूंगी मिश्री, अच्छा अच्छा, तो देख लो कान्हा जी ने तुम्हें बुला लिया, इनका लड्डू खाने को मन कर रहा होगा ना। गाइज ये जो दीदी थी ये कान्हा जी को लगाने आई थी भोग, और ये बहुत ज़्यादा मानती है हमारे लड्डू गोपाल को, तो ये दीदी अचानक से आ गई, मैंने व्लॉग का तो एंड कर दिया था, सोने के लिए जा रही थी और अचानक से ये आई, बोली कल एकादशी है तो मैंने सोचा टाइम नहीं मिलेगा, और कल को जाएंगी ये दुधेश्वरनाथ टेम्पल, यहीं गाजियाबाद में है, और मैं इनके साथ ही गई थी वहाँ भोले शंकर के दर्शन करने,
तो फिर आई तो मैं बोली कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी दीदी, आप एक काम कीजिए, मेरे नाम का प्रसाद या जो भी है आप वहां पर चढ़ा देना दक्षिणा, तो मेरा जाना नहीं हो पाएगा। बोली मैं तो सोच रही थी कि पहले दिन जब गई थी कि आपको लेकर चलूं, क्योंकि मैं पहले भी इनके साथ गई थी, बट देखते हैं अगर भोले शंकर बुलाएंगे तो वहां भी जरूर जाएंगे, भोलेनाथ की कृपा रही तो उनके दर्शन भी करके आएंगे दुधेश्वर नाथ टेम्पल के। और अभी फिलहाल मैं चाहती तो कल भी चली जाती, बोल रही थी 12 बजे जाएंगे, वो 2:30 बजे तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है मंडे के दिन, बट फिर मैंने सोचा ऑलरेडी आज इतनी थकान हो गई, अगर कल वहां जाती हूँ तो बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी। देखते हैं भोलेनाथ से भी कभी अगर हो सका तो आपको दर्शन कराएंगे और खुद भी करके आएंगे। ठीक है जी, तो गुड नाइट, सो जाते हैं अब क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो रही है। ठीक है जी, बाय, गुड नाइट।